हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल इजी कुकिंग। सो व्यूअर्स, आज हमने बनाया है डोमिनोज स्टाइल हेल्दी पिज़्ज़ा पराठा, जो हमने घर पे बनाया है। इसको बनाना बहुत ही आसान है। इसके लिए हमने यूज़ किया है एक कटोरी गेहूं का आटा और आधी कटोरी से भी कम हमने डाला है इसमें मैदा, इसीलिए ये हेल्दी है। और मैंने इसमें डाला है 1/4 स्पून बेकिंग सोडा, 1 स्पून बेकिंग पाउडर, ये छोटा चम्मच यूज़ कर रहे हैं, और टेस्ट के अकॉर्डिंग सॉल्ट। और इस सारे आटे को हमने छान लिया है। ये देखिए, हमारे इंग्रेडिएंट इसमें मिक्स हो गए हैं, बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा, सॉल्ट आटे में अच्छे से। और अब हमने आटे को गूंदना है। 2 बड़े चम्मच हमने इसमें खट्टा दही डाला है और 1/2 चम्मच चीनी। और अब हम इसको नॉर्मल वाटर के साथ में अच्छे से गूंद लेंगे। सॉफ्ट डो बना के रेडी करना है, रोटी पराठे जैसा। और इसको 20-25 मिनट के लिए रेस्ट पे रखेंगे और इसको हम दोबारा से नीड करेंगे 20-25 मिनट के बाद में। हमारा सॉफ्ट डो बन के रेडी हो गया है। इसके हम लोइयां बनाएंगे, 4, जैसे हम पराठे की बनाते हैं 4 पेड़े बनाने हैं। और इसको हम बेलेंगे, हमें इतना पतला ही बेलना है जितना पतला हम पराठा बनाते हैं। और इसको हम फोक कर लेंगे और इसको हम लो फ्लेम पे एक पैन में या आप तवे पे इस तरह से सेक लेंगे। ये देखिए हमने इसको कितना पतला बेला था और ये हमारा ब्रेड कितना अच्छा फूल के रेडी हुआ है। हमारे ये चपातियाँ बन गई हैं। अब हम एक चपाती पे फैलाएंगे पिज़्ज़ा सॉस और एक पे डालेंगे ये क्रीम। आप क्रीम चीज़ भी डाल सकते हैं, मेयो भी डाल सकते हैं। और अब हम इस पे डालेंगे वेजिटेबल, ओनियन, टमाटो, कैप्सिकम और ये पनीर। और अब हम इसके ऊपर डालेंगे थोड़ी सी पिज़्ज़ा हर्ब और चिली फ्लेक्स। और अब हम इसमें ऐड करेंगे थोड़ा सा सॉल्ट टेस्ट के अकॉर्डिंग। और इसको हम लोड कर देंगे बहुत सारे मोज़रेला चीज़ से। और अब हम इसको कवर कर देंगे अपनी क्रीम वाली चपाती से। ये इस तरह से सैंडविच सा बना के रेडी कर लेंगे। अब हम अपने पैन में थोड़ा सा ऑयल डालेंगे और 1 क्यूब बटर का डालेंगे। और अब हम इसमें ऐड करेंगे थोड़े से पिज़्ज़ा हर्ब, थोड़ा सा लाल मिर्च का पाउडर, ये इस तरह से। ये देखिए कितना सुंदर इसका मैरिनेटेड हो गया ये बटर। और इसमें हम अपना पराठा प्लेस कर देंगे और हम इसको दोनों साइड से इसी तरह से गोल्डन ब्राउन सेक लेंगे। ये देखिए कितना टेस्टी लग रहा है। अगर आपके पास कोई वेट है चकला, आप रख सकते हैं ऊपर से ताकि ये एकदम से चिपक जाए सैंडविच की तरह। ये देखिए मेरा पराठा कितना अच्छा बन के रेडी हो गया है। मैंने इसको कट करना शुरू कर दिया है और इसका ब्रेड भी कितना अच्छे से फूला है। मैं आपको दिखाती हूँ इसका चीज़ भी कितने अच्छे से मेल्ट हुआ है। ये देखिए अभी हम इसको सर्व कर रहे हैं। ये देखिए कितना टेस्टी लग रहा है। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और ये हेल्दी पराठा बनाएं। और इसमें आप अपनी मनपसंद वेजिटेबल भी डाल सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।